दोस्तों, आपने अपने रेल सफ़र के दौरान बहुत सारे ओवरटेक्स को विटनेस किया होगा, पर आज मैं जिस ओवरटेक की बात करने जा रहा हूँ वो सच में अद्भुत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र शुरू होता है नई दिल्ली स्टेशन से और प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज का नई दिल्ली से छोड़ने का समय है रात के 10:10 और दूसरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इसी स्टेशन से छोड़ने का समय है रात के 10:50। दोस्तों, दोनों ट्रेनों में जो समय का अंतर है वह है 35 मिनट का और प्रयागराज एक्सप्रेस कानपुर पहुंचाती है रात के 3:50 पे और दूसरी ओर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमें कानपुर पहुंचाती है 4:00। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दोनों ट्रेनों का एक तगड़ा ओवरटेक। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं अपने ऑफिशियल होल्ड के बाद प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होकर कानपुर सेंट्रल से, और सामने आप खड़ी देख सकते हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि हमें ओवरटेक करेगी, मतलब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी प्रयागराज एक्सप्रेस को। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होती है कि काफ़ी समय के बाद चलने के बाद भी पुरुषोत्तम इसको ओवरटेक कर लेती है, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 130 किलोमीटर/आवर है और उसका प्रयागराज पहुँचने का टाइम प्रयागराज एक्सप्रेस से पहले का है, मतलब 5 मिनट पहले का है। तो दोस्तों देखिए ये ओवरटेक। तो इट्स बाय बाय टाइम कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे एक और WAP-7 कानपुर शेड का खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पक्का बताइएगा कि प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ के आपको पुरुषोत्तम का ओवरटेक कैसा लगा। दोस्तों, इससे भी भयंकर ओवरटेक अभी आप देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी 130 कर रही है। दोस्तों, रूट सेम था, ट्रेनें अलग थी और दिन भी अलग, और इससे हम बैठे हुए थे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में और मैं तुरंत खिड़की पर आ गया था आप लोगों के लिए वीडियो लेने के लिए। दोस्तों, मुझे पता था कि ये ओवरटेक बहुत ही भयंकर होने वाला और बहुत ही ब्रूटल होने वाला, इसलिए मैं चाहता था कि मैं मैक्सिमम इसको कवर करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, जो बहुत नज़दीक से जानने की बात ये है कि बहुत किलोमीटर पहले तक और बहुत किलोमीटर बाद तक प्रयागराज एक्सप्रेस को ओवरटेक करने की बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी लगातार 130 करती रही और दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ये 130 ही चलती रही। तो दोस्तों देखिए ये ओवरटेक, बाकी बातें करते हैं बाद में, पहले देखिए खूबसूरत सा ब्रूटल सा ओवरटेक। दोस्तों, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की तरह ही प्रयागराज एक्सप्रेस भी एक बहुत ही रेप्यूटेड गाड़ी है और अपने एक रूट की गाड़ी है और अब एक शहर को रिप्रेजेंट करती है और बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट गाड़ी भी है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये जायज़ नहीं है सिर्फ इसको 130 तक ही सीमित रखना? मैं तो दोस्तों दिल से चाहता हूँ कि ये 130 पे चले। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करिएगा खूबसूरत सा, ताकि हमारी इस फेवरेट गाड़ी को भी 130 मिल सके और बहुत सारा समय भी बच सके, प्रयागराज पहुँचने वाले बहुत सारे यात्री इस समय का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी पक्का बताइएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है आपको और आप वहाँ पे मेरी डेली लाइफस्टाइल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको एक जल्दी ही एक और ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद। ये हो रहा है अराइवल प्रयागराज एक्सप्रेस का, इन्जॉय करिए।